तो वीवो X50 सीरीज़ की काफ़ी टाइम से मतलब टीजिंग हो रही है, बहुत टाइम से इनके बारे में हाइप क्रिएट हो रही है मार्केट के अंदर, कि इसके अंदर आपको पेरिस्कोपिक जूम लेंसेज है, गिम्बल लाइक मैकेनिज्म है। साथ ही इसके X50 सीरीज़ के 3 फ़ोन यहाँ पे इन्होंने लॉन्च करने का प्लान किया है, X50, X50 Pro, X50 Pro Plus। तो दोस्तों जानते हैं कि ये गिम्बल वाला जो मैकेनिज्म है ये क्या आपको ऐसा करके दिखाता है कि आपकी फुटेज स्टेबल हो जाती है, और इन तीनों फ़ोन्स के कैमरा की स्पेसिफिकेशन डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर। आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यार, हुआवे की जितने भी फोन्स आते हैं उनके ऊपर मतलब ऐसा कहा जाता है कि उनके कैमरा की जो परफॉर्मेंस है एकदम टॉप ऑफ द लाइन होती है इंडस्ट्री के अंदर। आज के टाइम में सबसे बेस्ट कैमराज हुआवे के फोन्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, और ये जो पेरिस्कोपिक लेंस है ये भी सबसे पहले हुआवे का एक फोन था जिसके अंदर आया था, उसके बाद अभी सैमसंग लेके आया, फिर उसके बाद रेडमी लेके आया। लेकिन इससे भी एक स्टेप आगे जा चुकी है इंडस्ट्री, यहाँ पे गिम्बल वाला सिस्टम कैमरा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। गिम्बल बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है जिससे आपकी फुटेज जो होती है वो स्मूथ रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्शन कैमरास के अंदर इनबिल्ट गिम्बल स्टेबलाइजेशन होता है, काफ़ी सारे DSLRs को भी गिम्बल के ऊपर रख के शूट की जाती है, मूवीज़ की शूटिंग जो होती है सिनेमैटिक मूवीज़ वहाँ पे आपको गिम्बल की मदद लेनी पड़ती है। तो लेकिन ये सारे के सारे फीचर्स अगर आपको एक फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा तब आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, वीवो के X50 सीरीज़ के 2 फ़ोन X50 Pro, X50 Pro Plus, इसके अंदर आपको कैमरा के अंदर इनबिल्ट गिम्बल स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो गिम्बल का जो मैकेनिज्म लगा हुआ है ये काफ़ी हद तक सिमिलर है जो आपका एक्चुअल के अंदर जो प्रोफेशनल गिम्बल मैकेनिज्म होता है उसके जैसा। यहाँ पे ये पूरे के पूरे कैमरा मॉड्यूल को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है शेक के। फॉर एग्जांपल जिस भी डायरेक्शन में शेक हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये कैमरे के मॉड्यूल को घुमा देगा, जिससे ये है कि ये उस शेक को मेकअप कर पाएगा, और ये आपका बेसिकली इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी आपकी इमेज और वीडियो के अंदर, जो कि काफ़ी बेटर है आपका जो नॉर्मल या जो ट्रेडिशनल OIS होता है यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, उससे काफ़ी बेटर है। और दोस्तों गिम्बल आपके एंगल ऑफ रोटेशन को भी काफ़ी बढ़ा देता है, और जो शेक का जो एरिया है उसको भी इंक्रीज कर देता है, बेसिकली जो कैमरा का मूवमेंट जो है उसको बढ़ा देता है। और जिसका साफ सा मतलब है कि आपकी जो कैमरा की जो फुटेज आएगी एकदम बटरी स्मूथ आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों ये यहां तक नहीं रुके, आपको यहां पे गिम्बल रडार देखने को मिलेगा कैमरा के UI के अंदर। ये बेसिकली आपको अलाउ करते हैं या फिर बेसिकली एनिमेटिंग बॉल है जो आपको या यूजर को ये बताएगी कि आप कितना मूव हो रहे हैं या फिर आपकी फ्रेम कितना मूव हो रही है, आपको कितना उसको ओवरकम करने के लिए अपने फ्रेम को स्टेबलाइज हो रही है आपकी फ्रेम। तो काफ़ी हद तक मतलब एक यूज़र जो शूट कर रहा है उसको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना आपका फ्रेम के अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब सीरियसली मतलब काफ़ी हद तक DSLR वाली फील आपको यहाँ पे आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मतलब आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन स्टिल थोड़ी हद तक आप जो वीडियो अगर शूट का जो स्मूथनेस है काफ़ी हद तक उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी थोड़ी बहुत और भी चटकियाँ इन्होंने यहाँ पर करी है, जैसे कि मोशन डीप ब्लर एल्गोरिथम इसके अंदर ऐड किया गया है। साथ ही इसके अंदर आपको यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस फोकस ट्रैकिंग वाला फीचर भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपके कैमरे के अंदर जो आपकी इमेज और जो उसकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक एनहेंस और काफ़ी हद तक अपलिफ्टेड आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों यार, अगर आपको यार वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को पॉज करके वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, और ये जो लाल रंग का जो बटन है सब्सक्राइब वाला इसको प्रेस करके ग्रे कर देना, और नीचे जो ग्रे कलर का लाइक वाला बटन है उसको प्रेस करके आपको ब्लू करना है, और आपको अगर डिसलाइक करना है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कॉमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यहाँ पर आपको इसके अलावा नाइट मोड, एस्ट्रो मोड देखने को मिलेगा, जिससे एकदम आप चांद तारों की एकदम अंधेरी रात में जाके कंट्री साइड में जाके फोटो ले सकते हैं, और साथ ही अगर आपको नाइट के अंदर फोटोग्राफी करनी है तो वहां पे भी आपको फोटोज काफी अच्छी आ जाएगी, क्योंकि नाइट मोड दिया है तो कैमरे के सेंसर की साइज भी बहुत ज्यादा है, वो मैं बाद में बताऊंगा कितनी है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों बेसिकली ये जितने भी इनके X50 सीरीज वाले फोन है इनका फोकस कहीं ना कहीं फोटोग्राफी पे ही है। मतलब वीवो चाहता है कि मतलब हम भी कुछ फोटोग्राफी में कमाल करें। काफी टाइम से हॉनर या हुआवेज आप कह दीजिए, आपका सैमसंग, एप्पल ने मतलब मार्केट में धूम मचा रखी है, हम भी कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, कुछ तूफानी करने की कोशिश करते हैं। उसी बीच उन्होंने गिम्बल वाला फीचर ऐड किया, साथ ही इसके अंदर आपको पेरिस्कोपिक जूम लेंस भी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं प्रिसाइसली बात करता हूँ तो यहाँ पे X50 Pro, X50 Pro Plus के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का F3.4 वाला सेंसर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको पेरिस्कोपिक जूम लेंस है जिससे आप काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं, और उसके अंदर आपको 16x का हाइपर जूम भी देखने को मिलेगा। साथ ही अगर मैं बात करता हूँ X50 Pro Plus की, और दोस्तों यहाँ पे आपको सेंसर की साइज 1x1.3 इंचेस देखने को मिलेगी, ये सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा से भी बड़ा है,
और यार मतलब सीरियसली बताऊं कि सैमसंग के सेंसर की इतनी बड़ी साइज़ जो आपको 108 मेगापिक्सल में देखने को मिलता था उससे भी बड़ी ये साइज़ है। और सीधी सी बात है कि अगर आपको कैमरा के सेंसर की साइज़ अगर ज़्यादा है तो उतनी ज़्यादा डिटेल वो कैप्चर कर पाएगा। नाइट के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट आएगी जिसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी फोटोग्राफी आप कर पाएंगे। यहाँ मैं ब्लिंक करता हूँ, वो जो नाइट मोड वाला था वो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 1x1.3 इंचेस सेंसर की साइज़ बहुत बड़ी होती है। बहुत ही कम फोन्स हैं जिसमें इतनी बड़ी साइज़ है और इनफैक्ट ये तो सैमसंग S20 अल्ट्रा से भी बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी पिक्चर्स आपको नाइट में देखने को मिलेगी। एक छोटा सा एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि कोई भी सेंसर होता है कैमरा का, जितनी ज़्यादा बड़ा सेंसर होगा उतनी ज़्यादा लाइट आएगी, जितनी ज़्यादा लाइट कैमरा के अंदर आएगी उतनी ज़्यादा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके सेंसर की साइज़ छोटी है, मतलब मेगापिक्सल आपने बढ़ा दिया लेकिन सेंसर की साइज़ बढ़ाई नहीं, तो आपकी इमेजेस एकदम अंधेरे के अंदर एकदम ग्रेन्स वाली आएगी, जो आपको मक्खियाँ वाली यहाँ पर दिख रही है इस तरीके की आपको इमेज आएगी। और अगर आपके सेंसर की साइज़ बड़ी है तो आपको फिर इस तरीके की इमेज देखने को मिलेगी। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं, बड़ा सेंसर मतलब ज़्यादा लाइट मतलब ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा डिटेल मतलब ज़्यादा अच्छी फोटो, सीधी सी बात है। और बाकी दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, तो ये आपको वीवो X50 Pro देखने को मिलेगा 45,500 के आसपास, और वीवो X50 Pro Plus देखने को मिलेगा 53,000 के आसपास। ये मैंने आपको बेस वेरिएंट की प्राइस बताई है, बाकी की आप अपने हिसाब से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आया और ये गिम्बल वाला सिस्टम या पेरिस्कोपिक जूम और ये सेंसर की साइज़ इतनी अच्छी है, ये सारी चीज़ें अगर सुन के अगर आपको काफ़ी अगर अच्छा लगा वीडियो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार वीडियो को लाइक चिपका देना, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर देना, लेकिन एक कॉमेंट कर देना कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आई। और हाँ, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और हाँ, थोड़ी बहुत और भी वीडियोज़ है चैनल पर, उनको भी चेकआउट कर लेना, और चैनल को भी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।